हाय ट्रेडर्स दिस इज़ गुरप्रिय सिंह है सो मैं ये वीडियो शिवा सर के बिहाफ पे बना रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ शिवा सर मैंने शिवा सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी इवन तो मैंने उनका मेंटरशिप तीन बार ज्वाइन किया है so, सो आए दिन एक नया ही ट्रेंड चालू है ट्विटर के ऊपर जिसको देखो एक्सपोज कर दो जिसको देखो एक्सपोज कर लो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे हर एक बंदे को स्कैमर बुला दो हर एक बंदे को फ्रॉड बुला दो ठीक है मैं मानता हूँ कि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती उसमें कुछ लोग फ्रॉड भी होंगे कुछ लोग अच्छे भी होंगे ये दुनिया है ये दुनिया ऐसे ही चलती है फ्रॉड भी लोग मिलेंगे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे लेकिन मैं यही कहूँगा मेरा बनाने का वीडियो यही मोटिव है कि बिना सच्चाई जाने आप किसी को इतना मतलब कि कैसे जज कर सकती ये वो बंदा फेक है है ना सो बीइंग माय एक्सपीरियंस अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शिवा सर से मैंने जैसे कि मैंने कहा मैं तीन बार उनका मैंटरशिप ज्वाइन किया ऑल दो उनसे मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी डाटा के लिए ठीक है लोग उसको शिवा सर को बोल रहे कि वो मतलब कि इन्नी ज़्यादा स्कैल्पिंग करते हैं और उनका ट्रांजेक्शन चार्जेस देखिए बहुत ज़्यादा और उसके सामने प्रॉफिट कुछ नहीं है ठीक है देखो उस बंदे ने क्लियरली अपने वीडियोज़ में बोल रहा है कि ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ जस्ट टू मतलब कि अपने जो आ, उनका जो वन क्लिक है उसके ऊपर टेस्टिंग के लिए वो कुछ ट्रेड्स पंच करते हैं और शिवा सर एक ऐसे बंदे हैं मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने मैंने उनका जब जब मेंटरशिप ज्वाइन किया तो उन्होंने अपने ट्रेड्स को लाइव पंच किया लाइव मैं कहता हूं कि कोई मेरे को ऐसा बंदा नहीं मैंने जिंदगी में देखा कि कोई बंदा अपना लाइव ट्रेडिंग इतने सारे लोगों को दिखा के सिखाना देखो बहुत सारे मैंने बहुत सारे कोर्स किए मैंने अपनी लाइफ में सबसे महंगा जो मैंने कोर्स किया था सत्तर हज़ार का किया था सत्तर हज़ार मैंने एक बंदे को पे किया था उस बंदे की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे को एक लाइव ट्रेड पंच करके दिखा दे लेकिन इस बंदे ने जनरली सारे लोगों के सामने ये लॉस भी खुशी खुशी लेता है और प्रॉफ़िट भी खुशी खुशी लेता है और अभी लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं कि ये फ्रॉड है ये वो चीज़ बेच रहा है ये इस चीज़ के लिए एयरवर्ड देखो यार हर एक इंसान का कोई ना कोई बिजनेस होता है है ना अगर मान के चलो आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर तो आप उसका नहीं मैं नहीं करोगे क्या आप उसको प्रमोट नहीं करोगे देखो पैसा किसको नहीं अच्छा लगता पैसा भीर हर एक इंसान को पैसे की नीड है हर एक इंसान को पैसा चाहिए और कुछ ना कुछ अपना वो बाई सेल करेगा करेगा बेचेगा और बिकवाएगा ठीक है सिंपल सी बात है अभी देखिए मैं वैसे एक नाम लेना चाहूँगा जैसे विवेक बजाज सर है उनके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स को जैसे स्टॉक है जो वो क्या अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते क्या हर एक सेम एज इट इज़ उनका भी उनका एक अपना ओ आई पल्स है ऑप्शन पल स्कैल्पिंग है डेटा रीडिंग के लिए मैं कहता हूँ डेटा रीडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है ऑप्शन स्कैल्पिंग अगर हम जैसे ऑप्शन बायर हैं जो लोग डाटा रीडिंग करते हैं ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अच्छी चीज़ ही बनाई है ना बुरी चीज़ तो नहीं बनाई ना अभी ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं कि आ, ये फ्रॉड कर रहे हैं स्कैम कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने बड़े बड़े स्क्रीन शॉट दे देखो भाई कोई तुम्हें तो जहर पीने को बोलेगा तुम पी तो नहीं लोगे ना आपको पता है ना कि ये जहर है इससे मेरी मौत हो सकती है आप पी लोगे क्या नहीं पी लोगे ना आपके पास भी दिमाग है आप उसको यूज़ करो यही चीज़ें तो समझनी है ना आप यही चीज़ें समझिए परखिए मैं यही कहूँगा कि एक जेनअन बंदे को बार बार ब्लेम मत करिए टू बी वेरी फ्रेंक ही इज़ अ जेनवन गाय ठीक है और मैं कहता हूँ कि जो भी ट्रॉलर हैं जो लोग ट्रॉल करने में लगे पड़े हैं फलाना बंदा फ्रॉड है फलाना मैं कहता हूँ आप आ जाओ उनके सामने ट्र, लाइव ट्रेडिंग करो एक साइड पर आप ट्रेड करो एक साइड शिवा सर ट्रेड करेंगे देख लेंगे आप वो फ्रॉड है कि आप फ्रॉड हैं है ना किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना किसी के ऊपर ब्लेम करना इट्स एन वेरी इजी है ना आप खाली आ, फेम के चक्कर में इसको उठा लिये उसको ब्लेम कर दो उसको उठा ले उसको ब्लेम कर दो ये चल क्या रहा है यार सच में मतलब समझ नहीं ऐसे तो लोग बंदा फिर ट्रस्ट किसके ऊपर करेगा आप किसको जेनुन मानते हो मेरे को पहले तो ये चीज़ का जवाब चाहिए कि आप जेनुअन किस बंदे को मानते हो मेरे को उस बंदे का नाम बता दो कि भाई ये बंदा स्टॉक मार्केट में जेनून है इसको फॉलो करो इसका कोर्स बाई करो भाई सब दुकानदारी है सब दुकानदारी अगर शिवा सर की दुकानदारी तो आपकी भी दुकानदारी आप भी अपनी दुकानदारी चला रहे हो है ना लोगों को डीफेम करने की दुकानदारी चला खाली की वाई वाई ले रहे हो है ना तो आप कौन सा मतलब कि धर्मात्मा है आप भी तो उसी कैटेगरी में आ रहे हो सो मैं यही कहूँगा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरा कोई किसी से वैर नहीं है मैं यही कहूँगा कि ठीक है यार अवॉइड करो इन चीज़ों को जो चीज़ गलत है उस चीज़ के बारे में बताओ सबको लोग को अवेयर करो लेकिन ये नहीं कि कुछ जेनुअन लोगों को भी आप लोग डीफेम करने लग जाओ ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इवन मैं कहे मेरे से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे ऐसे ऐसे वीडियो बनाएंगे शिवा सर के फेवर में लेकिन रियलिटी में ही इज़ अ जेनुन गाय ठीक है वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है बेचना उसका काम है क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है ठीक है अभी आपको समझना है कि आपके लिए क्या चीज़ काम की क्या चीज़ आपके काम की नहीं अगर आप इतना ही नहीं समझ पा रहे कि मेरे लिए क्या सही है स्टॉक मार्केट में क्या मेरे लिए गलत है तो फिर आप ट्रेडर कैसे बनोगे फिर आप प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं सकते ठीक है अगर आपकी इतना आपका मतलब कि माइंड नहीं है एक्टिव नहीं है कि मैं गलत और सही में पहचान नहीं कर सकता देन यू आर नॉट एबल टू ट्रेड इन दिस मार्केट सो बस मेरा लास्ट में यही है कि सो so प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत लीजिए और आप इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता सो, से सोच से सोचिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सो so, धन्यवाद शुक्रिया